हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की कोई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए कि कैसे आप जो अपने डिवाइस में जो आपका डिस्प्ले साइज होता है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने के दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक ऑप्शन है यहाँ पर सेटिंग्स का। दोस्तों आपके ऑप्शन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों मैं सामने एक ऑप्शन दिख रहा हूँ यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का। दोस्तों आपको इस ऑप्शन क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपके सामने लास्ट में सेकंड लास्ट में ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज। इस पर आपको क्लिक करना होगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्वाइप करो। आप स्वाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले साइज दिख जाएगा आपको। आपको जो भी इसके बाद अपने हिसाब से रखना डिस्प्ले साइज यहाँ पे रख सकते हैं। फिलहाल इसलिए रख देंगे हम यहाँ पे लार्ज। लार्ज को क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करते हैं दोस्तों जहाँ पे डिस्प्ले साइज है वो आपके यहाँ से चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंडों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।